हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू? कैसे मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो फाइनली आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो और यू कैन से दैट दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। और दिवाली स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, दिवाली स्पेशल हॉल नहीं बनाया, मतलब होम डेकोर आइटम्स आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये भी आप लोगों के हेल्पफुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुसुम स्लैश। So without any further, let's get started. First of all, happy Diwali to all of you guys, because I don't know कि वीडियो मेरी कब लाइव जाएगी या यू नो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से शेयर कर दू। बट मेरे पास आज ना मिशो हॉल है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मिशो से मैंने कुछ यू नो होम डेकोर आइटम्स परचेस करे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि यहाँ पे बैकग्राउंड में जो आपको टी लाइट्स दिख रही है, यहाँ पर यू कैन सी ये जो टी लाइट है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो। अगर इसकी इसका प्रोडक्ट पर चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपको सेट ऑफ 5, 6, सेट ऑफ 4, बहुत सारे ऐसे कॉम्बोज मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली गो फॉर इट गाइस। यू कैन सी यहाँ पे 3 टी लाइट्स अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। प्लस यहाँ पर जो ये स्पीकर देख रहे हो, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो। इसका प्रोडक्ट कोड आई थिंक आप लोगों से शेयर किया हुआ है, इसके रिलेटेड रिव्यू भी मैंने शेयर किया हुआ। एंड देन यहाँ पर जो ये देख रहे हो आपको कलरफुल टाइप का थोड़ा मल्टी कलर वाली जो वाइब आ रही है, दिस इज DIY, मतलब मैंने खुद बनाया है। एंड मैंने एक YouTube चैनल से यू नो देखकर ऐसे बनाया था। अगर उसकी लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड रहेंगी, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट गाइस। एंड एक और मैंने फोटो फ्रेम बनाई है, वो भी मैं यहाँ पर पेंटिंग एड कर दूंगी। वो भी मैंने बैकग्राउंड में नहीं रखा है, क्योंकि बैकग्राउंड फिर बहुत ही ज्यादा फुल हो जाता। सो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैंने कहाँ से कैसे देखकर बनाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारे होम डेकोर के रिलेटेड तो है, बट ज्यादातर जो हमारे डाइनिंग एरिया की जो आन बान शान होता है वो है हमारे सोफे। यस गाइस, अगर सोफे को आपने यू नो कवर लगा दिया, बट उसमें 4 चांद जो लगाता है वो होता है क्यूशन। क्यूशन कवर अच्छा अगर होता है तो क्यूशन भी बहुत सोफे का लुक बहुत ही चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी शो यू दैट क्यूशन कवर। यहाँ पर दो है मेरे पास, दो वेरियंट्स है, मतलब दोनों की जो दोनों में जो प्रिंट है या बोल सकते पैटर्न है दोनों चेंज है। यू कैन सी इसमें स्क्वायर एंड राउंड शेप बना हुआ है, एंड यहाँ पर फ्लोरल आपको पैटर्न मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये जो है, अगर आप इसे सिंगल लेने जाओगे, मतलब सेट ऑफ 5, मतलब वो आपका एक सोफे का मतलब 3x2 वाले सीट वाले अगर आपके सोफे हैं, तो आपको 5 क्यूशन कवर चाहिए होते। तो बात करें यहाँ पर क्यूशन कवर की, तो क्यूशन कवर आपको सेट ऑफ 5 ही देखने को मिलेंगे ज्यादातर। सो सेट ऑफ 5 आपको अगर प्राइस देखने के देखोगे मीशो पे तो आपको 200 रुपीज में पड़ता है, बट जब मैंने देखा तो ये दोनों जो क्यूशन कवर है वो कॉम्बो सेट में था, मतलब सेट ऑफ 10 यहाँ पे क्यूशन कवर से 267 समथिंग मुझे ऐसा कुछ पे करना पड़ा, उसमें आपको सेट ऑफ 10 मिल जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 200 रुपीज में अगर आप सेट ऑफ 5 खरीदते हो, इससे अच्छा है कि आप सेट ऑफ 10 ही क्यों ना परचेस करें। और मैंने रिव्यू और सब चेक करके ही परचेस किया है, तो ऐसा मत बोलना है कि आपको सिर्फ ऐसे यू नो ट्राई करना होता है ये वो, बट मैंने बहुत ही सर्च करके देन मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत ही सोच समझ। तो फर्स्ट जो है वो यूटेंसी की इस टाइप की पॉलिथीन मुझे रिसीव हुआ था, और उसके ऊपर भी उनका खुद की जो मीशो की जो होती है पॉलिथीन वो भी थी, बट वो मैंने अभी हटा दी, अनबॉक्स कर लिया। तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड भी कर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते। तो यू कैन सी कि इसका जो कलर है आप देख सकते हो, ऑफ व्हाइट के अंदर आपको डार्क शेड मिल जाते हैं, मतलब ब्राउन ब्लैक ऐसे यू नो कलर्स आपको मिल जाते हैं, काफी अच्छा लगता है। प्लस मैंने इसको ओपन करके भी देख लिया, इसका रिव्यू मैंने शेयर किया, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डिटेल में आप लोगों से शेयर करूं। सो ये जो पिलो कवर से है वो, इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है, प्लस मुझे जो कलर हुआ है वो मेहरून टाइप का बोल सकते हो, मेहरून प्लस ब्राउन के बीच का जो कलर होता है वैसा यहाँ पे आपको कलर मिलता है। एक जो और है यहाँ पर आपको फ्लोरल पैटर्न मिल जाती है, प्लस इसकी जो पैटर्न है ना जियोमेट्री का बोल सकते हो, क्योंकि ये जो वर्क होता है ना वो वुवन वाला जो वर्क होता है वैसा वर्क किया हुआ होता है। प्लस कलर कॉम्बिनेशन भी काफी सही है, और डार्क टोन अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहे, तो डेफिनेटली गो फॉर इट इज। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। आई नो कि इसकी जो स्टिचिंग है ना वो स्टिचिंग थोड़ी सी आपको रफली मिलेगी, बट आप चाहो तो इसको ऊपर से भी स्टिच करवा सकते हो, या कोई टेलर से भी स्टिच करवा सकते हो। सो आई थिंक 300 रुपीज में
प्राइस वाइज अमेजिंग वर्थ ईट है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट गाइज। एंड दिवाली में और क्या ही चाहिए, इतनी कम अगर रिजनेबल प्राइस में मिल ही रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर ही सकते हो। जब आप इसको सोफे पर ना सेट करके रखोगे, डेकोरेट करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। मतलब स्टिचिंग सिर्फ आप ऐसे खोलकर अच्छे से देखोगे तभी पता चलेगा कि स्टिचिंग थोड़ी सी ऐसी है, बट ऐसे किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इतनी चीप प्राइस में भी ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली गो फॉर इट गाइज। एंड अगर मैं कोई डेकोरेशन या ये वीडियो लाइव जाएगा उसके पहले अगर मैं डेकोरेट करती हूँ, सेट करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्लिप भी ऐड कर दूंगी स्क्रीन पर, ताकि आप लोगों को आइडिया है कि कैसा लुक आता है। क्या मेरा आई डोंट नो थोड़ा सा हिल गया तो मुझे सेट करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट आइटम थी ये, एंड इसकी जो साइज है वो 16x16 इंचीज है, मतलब जो नॉर्मली क्यूशन कवर की होती है सेम आपको वही मिलने वाली है, ठीक है। ओके, सो ये थी मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट। और सेकंड है वो है कि अगर क्यूशन कवर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पिलो कवर को क्यों ही हम पीछे छोड़ दें, ठीक है। तो पिलो कवर है उसके लिए सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है वो है यू कैन सी इस टाइप के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। मतलब छोटू सा पैकेजिंग है, बट जब आप इसको ओपन करते हैं तो बोलते हैं ना छोटा पैक बड़ा दिमागा फिलिंग आने वाली है डिटो। सो यू कैन सी ये है पिलो कवर्स, नॉट क्यूशन कवर्स। मतलब इसकी जो साइज है वो नॉर्मली रेगुलर जो साइज होती है वो 17x27 होती है इंचेस, बट इसमें जो साइज है वो 18x28 है। आई नो कि थोड़ी सी साइज बिग है, बट जो प्रोडक्ट है ना उस पे दिल ही आ जाएगा आपका। यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका कलर देख लीजिए, मतलब इसका जो कलर है ना वो मोवे कलर आप बोल सकते हो, मतलब आई थिंक रोज शेड में कुछ है। बट इसका जो फैब्रिक है वो है सैटिन, और यू नो कि सैटिन का जो फैब्रिक होता है ना वो हमारे हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, हमारे हेयर फॉल को कम करता है। सो मैंने ऐसे सुना है, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने के लिए परचेस किया, बट जब ये मैंने ओपन करके देखा ना तो इस पर मेरा दिल लगा। मतलब काफी अच्छी क्वालिटी है, आई नो कि साइज थोड़ी सी बिग है, बट इसको मैंने सोचा कि मैं टेलर से थोड़ा सा यू नो इसे फोल्ड करके स्टिच करवा लूंगी, तो ताकि मेरे पिलो कवर में अच्छे से आ, मतलब मेरे पिलोज में अच्छे से आ जाए। कवर तो ये है, एंड ये आपको सेट ऑफ टू मिलते हैं, प्लस इसके साथ ना आपको दो मास्क भी मिल जाते हैं। इसके अगर बात करूं इसकी तो मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इसके साथ मास्क भी मिलते। मुझे मतलब अभी कोरोना तो चला गया तो आई डोंट नो व्हाई। एंड देन आपको इसके साथ थ्री स्क्रंचीज मिल जाते हैं, और स्क्रंचीज की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मतलब हाँ थोड़े से नॉर्मल साइज में है, स्मॉल साइज में, बट क्वालिटी काफी अच्छी है यू कैन सी। एंड कलर भी आप देख सकते हो, मतलब अगर आप कोई नो हल्दी फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो ये वाला डेफिनेटली आप यूज करने वाले हो, देन रात की पार्टी के लिए, देन वेडिंग के लिए काफी अच्छे से चला जाएगा यू कैन सी। क्वालिटी भी काफी अच्छी है, एंड कलर्स आई जस्ट लव इट, सो डेफिनेटली गो फॉर इट गाइज। हाँ इसकी जो प्राइस है वो 209 है, बट 209 के प्राइस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड साइज तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, तो जो भी है आप चेकआउट कर सकते हो। प्रोडक्ट कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे। एंड दिवाली है तो फिर यू नो थोड़ी थोड़ी चीजों में ऐसे इन्वेस्ट करते रहते हो ना, तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ दिवाली है, ऐसी फीलिंग आती है। ओके, सो ये बात हो गई हमारे पिलो कवर्स की। तो ये तो सैटिन का फैब्रिक है, बट अगर आप बोलोगे कि मुझे जो नॉर्मली होते हैं हमारे कॉटन के जो पिलो कवर्स है वैसे चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मेरे पास ये है आप लोगों से शेयर करने, इसका वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों से शेयर कर दिया है, क्योंकि ये जो पिलो कवर्स है ना वो सेट ऑफ 5 थे, बट सेट ऑफ 2 पिलो कवर्स है वो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। बट यू कैन सी यहाँ पर आपको ब्लू एंड व्हाइट एंड बेज कलर में आपको एक पिलो कवर मिल जाता है, फ्लोरल प्रिंट वाला है। देन आपको यहाँ पे जिगजैग, मतलब जो क्यूब वाली पैटर्न आप बोल सकते हो वैसे पैटर्न में आपको मिल जाता है। कलर भी आप देख सकते हो कि टोटल सेट ऑफ 5 है, मतलब टोटल आपको 10 पिलो कवर्स मिल जाएंगे, बट ऐसे अगर देखे तो सेट ऑफ 5 है, एंड 5 की प्रिंट अलग अलग है एंड बहुत ही। और यस गाइस, स्क्रीन पर अगर आप देखोगे ना तो उसमें एक पिलो है वो थोड़ा सा एक्सचेंज, मतलब थोड़ा सा चेंज आया, मतलब जो प्रिंट दिखा रहा था वैसा नहीं है, बट फिर भी वो भी अच्छा लग रहा था, मैंने खुद रखी लिया। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग फिर रिटर्न करने का मन भी नहीं होता, और इसकी जो प्राइस है वो 372 रुपीज में मैंने परचेस करा था। अभी कौन सी प्राइस चल रही है आई डोंट नो, बट यू नो ऐसे पिलो कवर्स अगर कॉम्बो सेट में परचेस करते हो ना, तो मैं तो यही बोलूंगी मेरी तरफ से पर्सनली, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है अगर सिंगल ऐसे परचेस करने जाते हो ना, सेट ऑफ 2, मतलब जिसमें नंबर ऑफ 2 पिलो कवर्स आते। सो अगर आप उसकी प्राइस देखोगे वो अबोव 100 होगी अगर ऐसे माने, तो ये 372 में आपको
सेट ऑफ फाइव मिलते हैं, तो इसका मतलब आइडिया लगा सकते हो, मतलब ये अंडर 100 आपको वन पिलो कवर मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड बात यहाँ पे हो रही है पिलो कवर्स की, तो उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगी कि आप लोग जो लूडो वाली बेडशीट है उसमें भी डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ पर उसके मेरे पास अभी पिलो कवर्स है, क्योंकि इसकी जो बेडशीट है ना वो ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ, बट अभी मैंने इसको सेट नहीं किया, अभी डेकोरेट करना बाकी, तो डेट्स यहाँ पर मेरे पास पिलो कवर से, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपसे शेयर कर दूँ। इसके साथ आपको एक क्यूब टाइप का भी यू नो क्यूशन मिल जाता है स्क्वायर वाला, एंड देन इसके साथ आपको खेलने के लिए क्या बोलते हो गोटियां बोलते हैं ना, वो भी आपको मिल जाते। सो अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते, काफी उनको भी अच्छा लगेगा और दिवाली प्रेजेंट भी आप अपनी तरफ से उसको दे सकते हो। आई नो कि क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब मैंने इसको 2 टाइम वॉश किया है, फिर भी इसका जो फैब्रिक है थोड़ा मतलब कलर थोड़ा सा फेड हुआ है, बट उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो बात हो गई यहाँ पर पिलो कवर्स एंड क्यूशन कवर एंड बेडशीट की। सो यहाँ पर मैंने एक बेडशीट अभी मैंने रिसेंटली यू नो मेरे बेडरूम में अभी मैंने लगाई हुई है, तो वो मैं अपनी क्लिप यहाँ पे एड कर दूंगी। उसका जो कलर है ना वो ब्राउन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्यूशन कवर्स है देन मेरा जो सोफे का कवर है, इस सारे कलर ना वो ब्राउन शेड में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो डाइनिंग एरिया है ना वो सोफे को तो हमने डेकोरेट किया, बट हमारा सेंटर टेबल जहां पर हम रखते हैं तो वहां पर वो पूरा जो फ्लोर है ना वो बहुत ही खाली खाली सा लगता है, मतलब एम्प्टी सा लगता है, तो इसके लिए मैंने इस टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें। और आप पूछो कि क्या है, तो ये है मैट्रस, और यू कैन से कि फ्लोर मैट बोल सकते हो, फ्लोर कारपेट बोल सकते हो, एंड फ्लोर रग भी बोल सकते हो, मतलब बहुत सारे नाम है इसके, मैं क्या ही आपको बताऊं। ठीक है, मुझे जितने पता है उतने मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा ही हुआ था ऑब्वियसली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड इसके जो पिलो कवर्स की जो साइज है ना वो रेगुलर साइज आपको मिलेगी, 17x27 इंचेस मिलेगी। ठीक है, वो आपको नॉर्मल जो साइज हमारी होती है वही मिलेगी। और इसको जैसे मैंने अनबॉक्स किया था तो इसका जो कलर है वो डार्क टोन में है, ब्राउन शेड तो है बट बहुत ही ज्यादा डार्क ब्राउन शेड है। और यू कैन सी ये है रग, मतलब फ्लोर पे आपने देखा होगा कि बिछा के रखते हैं सोफे के ऐसे साइड में, काफी अच्छा लुक आता है। प्लस आप देख सकते हैं इसका जो फैब्रिक है ना वो पॉलिस्टर है, बट इसमें हमें इसको थोड़ी ना पहनना कोई भी फैब्रिक हो, बट क्वालिटी काफी अच्छी है। और यू कैन सी काफी अच्छी थी, एक भी धागा ऐसे निकला हुआ नहीं आया। एंड इसमें जो वर्क किया हुआ है ये वुवन जो बोलते हैं ना वो किया हुआ है, मतलब बुनकर जो बनाते हैं वो वैसे बनाया हुआ। प्लस आप इसकी प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग ही है जो मैंने अभी बताया वो वन है, काफी अच्छा है। और इसकी जो साइज है ना वो 5x7 फीट है, मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो, मेरी हाइट है वो 5.1 है, तो मैं इसमें आराम से ऐसे आ सकती हूँ। ऐसे लेंथ और विड्थ इसकी अलग अलग है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 7 है एंड विड्थ है वो 5 है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं सोच रही हूँ कि दिवाली का डेकोरेशन भी बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला, तो वो क्लिप भी मैं शॉर्ट्स में आप लोग से शेयर कर दूंगी कि ये सारा डेकोरेट करने के बाद कैसा लुक आता है। और इसके ऊपर तो मेरा दिल ही आ गया, मतलब इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको प्रोडक्ट्स कोड सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हो जो ये लाइट से है, प्लस यहाँ पर जो ब्लूटूथ मैंने लगाया हुआ था वो सब आपको प्रोडक्ट को सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो डेफिनेटली चेक आउट गाइस। एंड यहाँ पर जो ब्लिंक करती हुई आपको लाइट दिख रही होगी वो भी मैंने मीशो से परचेज करी, तो उसका प्रोडक्ट कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, तो डेफिनेटली चेक इट आउट गाइस। आई नो कि मैं दिवाली के लिए थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो आप चाहो तो अपकमिंग फेस्टिवल के लिए भी डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि ये जो सारे इन्वेस्टमेंट है ना वो आप कभी भी कर सकते, ऐसा नहीं कि दिवाली में ही करना है, कभी भी कर सकते, क्योंकि सोफे के कवर है, क्यूशन कवर है, पिलो कवर है, वो तो हमें रैंडमली कभी भी चाहिए होते हैं, देन ये मैट्रेस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दिवाली के लिए ही हमें करना है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। एंड देन रेगुलर लाइफ में भी हमें थोड़ा है ना घर में चेंजेस करते रहना चाहिए, ताकि लुक है वो हमारा घर का हमें एक जैसा ना दिखे, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वाइब्स होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा बैकग्राउंड चेंज होता रहता है, तो आपको भी अच्छा कुछ नया देखने को मिलता है कि हाँ आज मतलब दिवाली के रिलेटेड वीडियो है, तो ऐसा आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, ऐसे आपको आउटफिट देखने को मिलेगा, ऐसा आपको मेकअप देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली गो चेक इट आउट गाइस, सारे लिंक्स, सॉरी मीशो में लिंक्स तो नहीं होते, प्रोडक्ट कोड्स होते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे, सो डेफिनेटली चेक इट आउट गाइस। एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहा होगा। इफ यू आर स्टैंड मेक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल।
सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस. आई डोंट नो वीडियो कब लाइव होगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि काम थोड़ा सा आई नो है बट उसको साइड में रखकर मैं पहले आप लोगों के साथ ये शेयर कर दू ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे. एंड दिवाली के रिलेटेड फोटोग्राफी या जो भी वीडियोस बनाऊंगी वो सारे आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे वन बाय वन. सो डेफिनेटली चेक इट आउट गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग.